और फिरदौस आशिक इमान साहबा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, और उनके ज़माने में मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस गैप का जिम्मेदार क्या फिरदौस आशिक इमान साहबा को ठहराया जा सकता है? देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, मीडिया को जन जैसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मीडिया को दो साल से मीडिया को चलाने वाले 10 लोग थे, दे वर एटलीस्ट लाइक 8 to 10 पीपल एक हांडी पका रहे थे, ठीक है, मीडिया की हांडी कोई एक बंदा नहीं पका रहा था, ठीक है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उसमें से कुछ सामने नजर आते थे दो बंदे चार बंदे जो मीडिया को चला रहे होते थे, पीछे बैठे हुए चार और चला रहे होते थे, तो मीडिया को तो ऐसे चलाते रहे दो साल जैसे पता नहीं क्या हो गया, और इतनी चेंजेस आई हैं, इतने लोग आए हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आती थी, ठीक है, और ये भी नहीं पता चलता था कि मीडिया एक्चुअली चला कौन रहा है, ठीक है, सो वो भी नहीं समझ आती थी। फिरदौस आशिक दीवान साहिबा ठीक है, उनके प्लस पॉइंट भी थे, उनके माइनस पॉइंट भी थे, ठीक है, प्लस पॉइंट ये थे कि उनको वो बैठ जाए तो वो बैठी रहती थी, हुकूमत को सूट करता था कि वो डोमिनेट कर रही है शायद, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रही थी, वो स्टेलमेट हो गया था, जितना अरसा बैठ के स्क्रीन पे बैठ के जितना अरसा वो बोलती रहती थी वो एक स्टेलमेट हो गया था, मोनोलॉग हो गया था, वो मोनोलॉग खत्म हो जाएगा, और अब आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी चीजें जो है ना वो साइंटिफिकली चलना शुरू होंगी, बट मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि लेट्स होप सो, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं, शिबली भी बहुत अच्छे हैं, आसिम बाजवा भी बहुत अच्छे हैं, अपने साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बट इस वक्त स्ट्रेटजी और इस वक्त जो जॉब की नेचर है दोनों के लिए मुख्तलिफ है, ठीक है, शिबली साहब के लिए सेनेट में डिफरेंट तरीका था काम करने का, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी हीट की फेस करनी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ेगा मीडिया का। आसिम बाजवा साहब उस वक्त वर्दी में थे, इस वक्त वर्दी में नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो हो सकता है अगर वो उसी एक्सपीरियंस को लेके आसिम बाजवा साहब आगे चलेंगे तो वो ही कैन क्रिएट राइट। राणा साहब अच्छा।